नर्सिंग, क्या होती है पीडियाट्रिक नर्सिंग। एक सब्जेक्ट लेके आए सभी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लाइव स्टूडेंट्स सभी आ जाएं, लाइव सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं, कोचिंग के स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स आज पढ़ने भी आया है लाइव आ सकता है। आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट पीडियाट्रिक नर्सिंग। आज हमने सबसे पहले इसका क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और कम से कम 15 से 20 दिन चलेगी पीडियाट्रिक नर्सिंग की क्लासेस, 15 से 20 दिन, इतने में पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, क्या होती है पीडियाट्रिक नर्सिंग? पीडियाट्रिक वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पीडियाट्रिक दो वर्ड से मिलकर बना होता है। कौन कौन से पीडियाट्रिक किस वर्ड से मिलकर बना होता है? दो वर्ड से मिलकर, पहला कौन सा है? पीडिया, पीडिया प्लस एट्रिक क्या होता है? प्लस आईसीएस, आईसीएस पीडिया का मतलब क्या होता है? चाइल्ड, क्या होता है? चाइल्ड। और एट्रिक का मतलब क्या होता है? केयर करना, क्या होता है? केयर करना, केयर करना। आई समझ में क्या होता है? केयर करना, ठीक है। और आईसीएस का मतलब क्या होता है? स्टडी, क्या होता है? स्टडी, ठीक है। ऐसा में यहाँ तक पीडियाट्रिक नर्सिंग इसको किसके नाम से भी जाना जाता है? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है, सी एच एन। किस नाम से जाना जाता है? सी एच एन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है सी एच एन? फुटबॉल चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। नर्सिंग का मतलब क्या होता है बताएगा कोई स्टूडेंट्स? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। अब डेफिनेशन बताओ सभी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन बताओ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग को ही किस नाम से जाना है? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। बताएगा कोई स्टूडेंट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन क्या होती है? ऑफलाइन स्टूडेंट बताओ जल्दी, क्या होती है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन? नर्सिंग का मतलब क्या होता है? नर्सिंग वर्ड किससे लिया गया है? नर्सिंग वर्ड को किससे लिया गया? नरेश शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? नरेश शब्द से लिया गया है, नरेश शब्द से लिया गया है। नरेश का मतलब क्या होता है? केयर करना, केयर करना। कौन सी केयर करते हैं? पी सी आर केयर। कौन सी केयर करते हैं? पीसीआर केयर। पीसीआर मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव। कौन सी केयर करते हैं? प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाते हैं। कहां पर जाके? चाइल्ड कम्युनिटी में जाकर। किसके लिए? चाइल्ड के लिए। और किसको? हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। किसके हेल्थ स्टेटस को? चाइल्ड के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। आई समझ में डेफिनेशन? कम्युनिटी में जाकर हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना, इसके प्रति प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करके क्या कहलाता है? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। अब देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन लिख लो सभी स्टूडेंट्स, क्या होती है डेफिनेशन? लिख लिया है सब इंट्रोडक्शन? डेफिनेशन क्या होती है? इट इज ब्रांच, डेफिनेशन इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस। पीडिया किसकी ब्रांच होती है? मेडिकल साइंस की। और आप क्या पढ़ते हो? नर्सिंग में पढ़ते हो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ये किस किस ब्रांच रहती है? नर्सिंग की। किसमें? जिसमें चाइल्ड की केयर करते हैं। और पीडिया में, पीडिया में चाइल्ड करते हैं, लेकिन पीडिया सब्जेक्ट किसमें आती है? एमबीबीएस में। और नर्सिंग में कौन सब्जेक्ट पढ़ते हैं? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। क्या होती है? इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद, दैट डील विद
कौन सी प्रिवेंटिव, क्यों कौन सी बताई थी अभी, बताई थी प्रिवेंटिव क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव। बी विद प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव, रिहैबिलिटेटिव एंड सर्विसेज फॉर कहां पर जाकर सर्विसेज कहां पर प्रोवाइड कर दिया, चाइल्ड इन कम्युनिटी। चाइल्ड किसके सर्विसेज फॉर, चाइल्ड इन कम्युनिटी, इन कम्युनिटी, कम्युनिटी में जाकर क्या हुई, कम्युनिटी में जाकर चाइल्ड के लिए प्रिवेंटिव क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक नर्सिंग। मेडिकल साइंस क्या रहती है, ब्रांच रहती है, आया समझ में। यहाँ तक मेन टारगेट क्या रहता है, पीडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मेन टारगेट बताए कोई स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट, मेन टारगेट क्या रहता है, मेन टारगेट क्या रहता है, प्रिवेंटिव क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव में से मेन टारगेट किसको प्रिवेंट करना होता है, मेन टारगेट क्या रहेगा बताए कोई स्टूडेंट्स, लाइव लाइव स्टूडेंट्स बता दो या ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग के बताओ जल्दी, मेन टारगेट किसके प्रति रहता है, प्रिवेंटिव के, क्यूरेटिव के, रिहैबिलिटेटिव के, बताएगा कोई स्टूडेंट जल्दी बताओ, सीएचओ माने वाला क्वेश्चन है जल्दी, मेन टारगेट किस पे रहता है, प्रिवेंटिव पे, क्या कहना, प्रिवेंट करना, प्रिवेंटिव कोई भी बीमारी हुई है बच्चों क्या हो, कोई भी डिसीज हो गई उससे क्या करना, प्रिवेंट करना, मेन टारगेट क्या रहता है, प्रिवेंट करना, ठीक है, आया समझ यहां तक। इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद प्रिवेंटिव क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज फॉर चाइल्ड एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी में जाकर चाइल्ड के लिए हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना क्या कहलाता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होगा या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जल्दी बताओ, चाइल्ड को हटा दो, डेफिनेशन क्या हो गई, कम्युनिटी, कम्युनिटी में जाकर और चाइल्ड क्या हुई, चाइल्ड के लिए कम्युनिटी में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना क्या कहलाता है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। मेन टारगेट क्या रहता है, प्रिवेंटिव, इसको प्रिवेंट करना, कोई भी बीमारी हो गई बच्चे को उसको क्या करना, प्रिवेंट करना, मेन टारगेट क्या रहता है, कम्युनिटी में प्रिवेंट करना, ठीक है। अब देखते हैं आगे डिस्कस करते हैं, आंगनवाड़ी में चाइल्ड के लिए कितनी कैलोरी, आंगनवाड़ी रहती है हर सब सेंटर पर, आंगनवाड़ी रहती है हर गांव में, छोटे छोटे गांव में आंगनवाड़ी मिल जाती है, तो बच्चे के लिए सबसे पहले बच्चा कहाँ जाता है, आंगनवाड़ी में पढ़ने जाता है, और सबसे पहले बच्चा हुआ सबसे पहले कॉन्टैक्ट कौन करती है, घर पे जाके आंगनवाड़ी करती है, आंगनवाड़ी वर्कर। मेन टारगेट क्या रहता है, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी में चाइल्ड के लिए कितनी कैलोरी और कितनी प्रोटीन प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, देखो आंगनवाड़ी में चाइल्ड के लिए आंगनवाड़ी में चाइल्ड के लिए कितनी कैलोरी, आंगनवाड़ी में चाइल्ड के लिए कितनी कैलोरी प्रोवाइड की जाती है, चाइल्ड के लिए कितनी बताओ कोई भी, कैलोरी और कितनी प्रोटीन प्रोवाइड की जाती है, और प्रोटीन कोई स्टूडेंट्स बताएगा, कितनी कैलोरी चाइल्ड के लिए कितनी कैलोरी प्रोवाइड की जाती है आंगनवाड़ी में पर डे, कितनी प्रोवाइड की जाती है, 500 ग्राम कैलोरी, कितनी 500 ग्राम, 500, कितनी 500 ग्राम कितनी कैलोरी प्रोवाइड की जाती है, प्रोटीन कितनी प्रोवाइड की जाती है पर डे 15 ग्राम, कितनी 50 ग्राम एक बच्चे के लिए आंगनवाड़ी में, 500 ग्राम क्या कैलोरी प्रोवाइड की जाती है और प्रोटीन कितनी प्रोवाइड की जाती है 15 ग्राम। ऐसे समझ में स्टूडेंट्स, हर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे चैनल पर कमेंट कर सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, ठीक है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी अपने सभी साथियों तक हमारी वीडियो तक पहुंचाना, जिससे कि सभी साथियों तक आपके सभी साथियों का भला हो सके, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एवं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए
ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, आया समझ यहाँ तक। उसके बाद डिस्कस करते हैं इंडिया में कितनी पॉपुलेशन चाइल्ड की रहती है। इंडिया में यंग एज, इंडिया में कितनी, इंडिया में किसको चाइल्ड बोलते हैं, 0 से लेकर 18 ईयर तक के बच्चों क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन बोलते हैं। 0 से लेकर 18 ईयर तक के बच्चों क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन बोलते हैं। और अमेरिका में, अमेरिका में कैसे बोलते हैं चिल्ड्रन, 0 से लेकर 16 ईयर तक के बच्चों क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन बोलते हैं। भाई बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया होगा आपने, नोटिफिकेशन नहीं आया। थैंक यू। आया समझ में, इंडिया में कितने बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं, 0 से लेकर 18 ईयर तक के बच्चों क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन। और अमेरिका में 0 से लेकर 16 ईयर तक के बच्चों क्या बोलते हैं, अमेरिका में 17 ईयर का बच्चा कोई भी जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अडल्ट में शामिल हो जाएगा, उसको चिल्ड्रन में शामिल नहीं करते हैं। और इंडिया में 17 या 18 साल तक के बच्चों को, 18 ईयर तक के बच्चे को क्या बोलते हैं, चाइल्ड में शामिल किया जाता है। 18 ईयर तक के बच्चे को क्या करते हैं, इंडिया में चाइल्ड में शामिल करते हैं, और अमेरिका में 0 से लेकर 18 ईयर तक के बच्चे को शामिल किया जाता है। और इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, अबाउट 35% कितनी है चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है इंडिया में। अबाउट पॉपुलेशन कितनी है बताएं कोई स्टूडेंट्स, अबाउट 35% कितनी, 35% बिलोंग टू पीडिया या चाइल्ड बोल सकते हो, चाइल्ड मतलब 35% 100 में से 35% क्या है, बच्चे हैं इंडिया में। 35% 100 में से 35% एक गांव में 100% उसमें से 35% क्या है, बच्चे हैं। आया समझ में, जिस गांव में 100 पीपल हैं उसमें से 35 बच्चे दो क्या है, पीपल बच्चे हैं। 135% बिलोंग क्या करती है, पीडिया से बिलोंग करती है। आया समझ में यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, कार्ट, देखो कार्ट मैनेजर, उन्होंने क्या बोला था कि जो भी आप प्रेजेंट में बच्चे को सिखाओगे समाज में बच्चा वही करेगा, जैसा कि आज आप बच्चे को जो सिखाओगे समाज में बच्चा वही सीखेगा, वही आगे चल के करेगा। एक साइंटिस्ट आए थे, देखो कार्ट मैनेजर, कौन से आ रहा है सभी स्टूडेंट, या स्पीड तो ज्यादा नहीं है, स्पीड तो ज्यादा नहीं है, सही चल रहा है, कमेंट करके बताएं स्टूडेंट्स, लाइव स्टूडेंट्स, ऑफलाइन का तो सही है, लाइव स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं जल्दी, स्पीड तो ज्यादा नहीं है पढ़ाने की, जल्दी कमेंट करके बताओ लाइव स्टूडेंट्स। कमेंट करो लाइव स्टूडेंट्स, स्पीड तो ज्यादा नहीं है। ओके, देखो एक साइंटिस्ट थे कार्ट मैनेजर, कौन से, कार्ट मैनेजर, क्या थे ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो आज आप बच्चे को सिखाओगे समाज में बच्चा वही करेगा, जैसे What we do for child आ रहा है सभी स्टूडेंट को समझ में, for child they did for
कमेंट करके बताओ स्टूडेंट्स। रेडफोर्ट सोसाइटी आया समझ में। कार्ट मैनेजर एक साइंटिस्ट थे, कौन से? कार्ट मैनेजर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था कि व्हाट वी डू फॉर टुडे फॉर चाइल्ड दे डिड फॉर सोसाइटी। आज आप बच्चे को जो भी सिखाओगे बच्चा समाज में क्या करेगा वही करेगा। वैज्ञानिक ने कहा कि आज आप जो चाइल्ड को करेंगे या आप आज आप बच्चे को जो सिखाओगे या आज आप बच्चे को जो करेंगे वही बच्चा समाज में वही करेगा। क्या बोला कि आज आप जो चाइल्ड को करोगे, आज आप जो चाइल्ड को करोगे चाइल्ड भी समाज में वही करेगा। ठीक है, लिख लो सभी स्टूडेंट्स। रनिंग नोट्स साथ के साथ में बनाते हुए चलना है लाइव स्टूडेंट्स को भी और हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, कार्ड व्हाट वी डू फॉर टुडे फॉर चाइल्ड डे डेड फॉर सोसाइटी। ठीक है, आज आप बच्चे के साथ जो करोगे बच्चा भी समाज में वही करेगा या सोसाइटी में वही करेगा। ठीक है, लिख लो। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे बर्ड में, पीडियाट्रिशियन। सबसे पहला साइंटिस्ट आया था बर्ड में, पीडियाट्रिशियन किसने दी थी? एक कस्पा जीव का नाम का एक साइंटिस्ट था। कौन सा? कस्पा जीव का। सबसे पहले चाइल्ड की डिसीज के बारे में किसने बताया था? उसी ने बताया। पीडियाट्रिशियन आए थे बर्ड, फर्स्ट पीडियाट्रिशियन। देखो छठवीं शताब्दी में, कौन सी? छठवीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट आए थे। नहीं है सभी स्टूडेंट्स ने, छठवीं शताब्दी में क्या आए थे? एक साइंटिस्ट आए थे बर्ड, फर्स्ट पीडियाट्रिशियन, जिसको क्या बोलते हैं क्या थे? छठवीं शताब्दी में क्या आए थे? एक साइंटिस्ट आए थे। कौन से साइंटिस्ट थे? पीडिया के फर्स्ट पीडियाट्रिशियन। उसका नाम क्या था? कस्पा जीव का। बर्ड में क्या थे? फर्स्ट पीडियाट्रिशियन। देखो बर्ड फर्स्ट पीडियाट्रिशियन, कौन से थे? फर्स्ट पीडियाट्रिशियन जीव का कस्पा। कौन से? कस्पा जीव का या कस्पा एंड क्या थे? जीव का। क्या नाम था? इन्होंने क्या बोला था कि सबसे पहले चाइल्ड की डिसीज के बारे में बताया था। इन्होंने क्या बताया था? चाइल्ड की डिसीज के बारे में बताया था सबसे पहले कस्पा जीव का। इन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया कि चाइल्ड के डिसीज के बारे में सबसे पहले इन्हीं साइंटिस्टों ने बताया था। बर्ड फर्स्ट पीडियाट्रिशियन कौन से थे? कस्पा जीव का। इन्होंने सबसे पहले चाइल्ड की डिसीज के बारे में बताया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे फादर ऑफ पीडियाट्रिशियन किसे कहा जाता है? या फादर ऑफ पीडियाट्रिक किसे कहा जाता है? ऑफ पीडियाट्रिक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ पीडियाट्रिक। बताए कोई भी लाइव स्टूडेंट्स और ऑफलाइन स्टूडेंट, अब्राहम जैकोबी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पीडियाट्रिक। किसे कहा जाता है? अब्राहम जैकोबी को। अब्राहम जैकोबी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पीडियाट्रिक कहा जाता है। एक सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे, बर्ड में सबसे पहले फर्स्ट पीडियाट्रिशियन एक साइंटिस्ट आए थे, जो कि कहां के थे? कस्पा जीव का। ये कहां के थे? इंडिया के पर्सन थे। कहां के पर्सन थे? इंडिया के पर्सन थे। आ सकता है ये भी क्वेश्चन, आ सकता है कस्पा जीव का किस देश के पर्सन थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कस्पा जीव का एक साइंटिस्ट थे फर्स्ट पीडियाट्रिशियन, उन्होंने क्या बोला था कि सबसे पहले पीडिया की डिसीज के बारे में बताया था। कस्पा जीव का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले पीडिया की डिसीज के बारे में बताया था। वो कहाँ के पर्सन थे? इंडिया के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ पीडियाट्रिक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ पीडियाट्रिक किसे कहता है? अब्राहम जैकोबी को फादर ऑफ पीडियाट्रिक कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में? यहां तक
फर्स्ट पीडियाट्रिशियन किसे कहा जा रहा था? वर्ल्ड का फर्स्ट पीडियाट्रिशियन कौन था? वर्ल्ड का कस्पा जीविका, जो कि इंडिया के पर्सन थे, इन्होंने सबसे पहले पीडिया की डिसीज के बारे में बताया था। ठीक है, आया समझ में आता? उसके बाद फादर ऑफ पीडियाट्रिक किससे कहा जाता है? अब्राहम जेकोबी को फादर ऑफ पीडियाट्रिक कहा जाता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट, उसके बाद फादर ऑफ पीडियाट्रिक बोल दिया, उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न पीडियाट्रिक हम डिस्कस करते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न पीडियाट्रिक, फादर ऑफ अमेरिकन पीडियाट्रिक सुना होगा आपने, फादर ऑफ अमेरिकन पीडियाट्रिक किससे कहा जाता है? ये किसके थे? सबसे पहले वर्ल्ड में फर्स्ट पीडियाट्रिशियन कौन से थे? कस्पा जीविका, ये क्या थे? पूरे वर्ल्ड के, ठीक है, फादर ऑफ अमेरिकन पीडियाट्रिक, फादर ऑफ अमेरिकन बताओ जल्दी स्टूडेंट, फादर ऑफ अमेरिकन पीडियाट्रिक कौन है बताओ जल्दी बताओ ऑफलाइन स्टूडेंट। ए बी अब्राहम जेकोबी को क्या बोलते हैं? अब्राहम जेकोबी, ये भी क्या है? अमेरिका के फादर ऑफ अमेरिकन पीडियाट्रिक है। आया समझ में? अब्राहम जेकोबी हो या इंडियन फादर हो या फादर ऑफ पीडियाट्रिक हो, ठीक है, आ रहा है समझ में सभी स्टूडेंट्स को? फादर ऑफ अमेरिकन पीडियाट्रिक कैसे कहा जाता है? अब्राहम जेकोबी को भी क्या बोलते हैं? फादर ऑफ अमेरिकन पीडियाट्रिक, फादर ऑफ पीडियाट्रिक किसे बोलते हैं? अब्राहम जेकोबी को। इसके बाद फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा अमेरिका का तो आ गया, वर्ल्ड का भी आ गया, तो इंडिया का कौन है? फादर ऑफ अमेरिकन इंडियन पीडियाट्रिक, फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक बताओ स्टूडेंट्स। ये आ गया वो क्वेश्चन आपके सामने, सीएचओ में पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा एम्स नॉर्थ साइड में पूछा जा सकता है, फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक कौन से हैं? जॉर्ज कोले, स्टैंडर्ड नेम क्या है? जॉर्ज कोले देख लिया, जॉर्ज कोले क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक, आ रहा है समझ में सभी स्टूडेंट्स को? फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक किसे बोलते हैं? जॉर्ज कोले, ठीक है। उसके बाद आता है फादर ऑफ मॉडर्न पीडियाट्रिक किसे बोलते हैं, ठीक है, देख लिया सभी स्टूडेंट्स ने, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न पीडियाट्रिक फादर ऑफ मॉडर्न पीडियाट्रिक किसे बोलते हैं जल्दी बताओ? निलबोन बेस्ट रोडसन रोस्टन को क्या बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न पीडियाट्रिक बोला जाता है। ठीक है, सभी साइंटिस्टों के नाम, लाइव स्टूडेंट्स साइंटिस्टों के नाम, अपनी वीडियो, सभी स्टूडेंट्स जो भी हमारी वीडियो देख रहा है अपने चैनल पे से हमारी वीडियो अपने व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर से शेयर करें, सभी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को सभी स्टूडेंट्स शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने सभी साथियों से हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कराना, और हमारी ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पर बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है, जिससे कि हम आपके पास हमारे चैनल की नोटिफिकेशन पहुंच सके। आया समझ में यहाँ तक? उसके बाद एक चाइल्ड की एक डिसीज आई थी, डिसीज की बुक बनी थी, सबसे पहले डिसीज की बुक किसने लिखी थी? बच्चे को बीमारी होती है, सभी बच्चों को बीमारी होती है, उस बुक किसने बताई थी? सबसे पहले बुक किसने बनाई थी, उस बुक का क्या नाम था? लिटिल बुक, उस बुक का क्या नाम था और किसने वो बुक बनाई थी? किस साइंटिस्ट ने वो बुक बनाई थी? देखो, लिटिल बुक ऑन डिसीज, लिटिल बुक ऑन डिसीज, लिटिल बुक ऑन डिसीज फॉर चिल्ड्रन
कौन सी थी, फर्स्ट बुक कौन सी थी, पाल्वो किसने लिखी थी, फर्स्ट बुक किसने लिखी थी, पाल्वो बैलागेरे ने। देखो पाल्वो किसने लिखी थी, बेला गिड़ने, नाम देख लेना, गलती नहीं करनी है नाम में, बेला गिड़ने कौन सी थी, फर्स्ट बुक थी, फर्स्ट बुक कौन सी थी, लिटिल बुक ऑन डिसीज फॉर चिल्ड्रन, पाल्वो बेला गिड़ने, ठीक है, लिखी थी। उसके बाद लिटिल बुक ऑन चाइल्ड, उसके बाद एक लिटिल बुक ऑन चाइल्ड, सेकंड बुक कौन सी थी, लिटिल बुक ऑन चाइल्ड, पहली बुक कौन सी थी, लिटिल बुक ऑन फॉर डिसीज फॉर चाइल्ड, ये कुछ, सेकंड बुक कौन सी थी, लिटिल बुक ऑन चाइल्ड, ये किसमें थी, थॉमस पेयर ने, थॉमस आ रहा है समझ में सभी स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने सभी साथियों तक पहुंचाना, ठीक है, लिखते और साथ ही साथ में रनिंग नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है, लिख लो सभी स्टूडेंट्स, कोई बताएगा बच्चे का सबसे पहला हॉस्पिटल कहां पर खुला था, बच्चों का सबसे पहला हॉस्पिटल कहां पर खुला था, बताए कोई भी लाइव स्टूडेंट्स और हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स, बच्चों का सबसे पहला हॉस्पिटल कहां पर खुला था, बीमार बच्चों का सबसे पहला हॉस्पिटल कहां पर खुला था, बताए कोई भी स्टूडेंट्स, देखो हॉस्पिटल फॉर सिक्स चाइल्ड, सिक चाइल्ड, सिक का मतलब क्या होता है, बीमार बच्चा, चाइल्ड मतलब बच्चा, हॉस्पिटल फॉर सिक चाइल्ड, बीमार बच्चों का सबसे पहला हॉस्पिटल कहां पर खुला था, कहां पर, किस शहर में खुला था, पेरिस में, किसमें, पेरिस, किसमें खुला था, पेरिस में, ये क्या है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, किसकी, फ्रांस की, क्या है, फ्रांस की राजधानी है, पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी है, और सबसे खूबसूरत शहर, सबसे खूबसूरत शहर भी कौन सा है, हाँ, सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है, पेरिस है सबसे खूबसूरत शहर, और सबसे पहला हॉस्पिटल भी कहां पर खुला था, पेरिस में, याद रखने की ट्रिक क्या है, बच्चों का सबसे पहले, बच्चे कैसे रहते हैं, खूबसूरत रहते हैं, और खूबसूरत शहर कौन सा है, सबसे पहला, बच्चे कैसे रहते हैं, खूबसूरत रहते हैं, और बच्चों का सबसे पहला हॉस्पिटल कहां पर खुला था, पेरिस में, ठीक है, नहीं भूलोगे, भूलोगे नहीं, यस या नो जल्दी आंसर दो, लाइव स्टूडेंट्स ऑफलाइन स्टूडेंट्स जल्दी बताओ, कल्पेश जल्दी बताओ, लाइव स्टूडेंट्स कमेंट करके, भूलोगे या नहीं भूलोगे, नहीं बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, आया समझ में, तक सबसे पहला हॉस्पिटल कहां पर खुला था, पेरिस में, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं चाइल्ड के बारे में, चाइल्ड कितने से लेकर कितने बच्चे का रहता है, देखो चाइल्ड बोलते हैं, चाइल्ड देखो चाइल्ड के
बारे में चाइल्ड क्या रहता है, सबसे पहले जैसे क्या हुआ चाइल्ड, चाइल्ड क्या रहता है इंट्रायूट्राइन के, इंट्रायूट्राइन में रहता है, इंट्रायूट्राइन लाइफ में रहता है बच्चा, पहले कैसा रहता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, क्या रहता है इंट्रा इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जीरो से लेके कितने से, जीरो से लेके क्या, जीरो से लेके दो वीक तक के बच्चों क्या बोलते हैं जाइगोट, जीरो से टू वीक क्या बोलते हैं जाइगोट, क्या बोलते हैं जीरो से दो वीक तक के बच्चों क्या बोलते हैं जाइगोट, उसके बाद थ्री वीक से लेकर दो वीक तक तो कहा हो गया, थ्री वीक से लेकर एट वीक तक के बच्चों क्या बोलते हैं एम्ब्रियो, क्या बोलते हैं एम्ब्रियो, क्या बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है, और नाइन वीक वीक से लेकर टिल बर्थ उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ स्टूडेंट, लाइव स्टूडेंट्स बताओ, नाइन वीक्स टू टिल बर्थ तक के बोलते हो क्या बोलते हैं फीटस, क्या बोलते हैं फीटस, ठीक है, ऐसे में इंट्रा यूट्राइन लाइफ में बच्चा रहता है, सबसे पहले कहाँ रहता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, जीरो से दो वीक तक के बच्चों क्या बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं, उसके बाद बच्चा कहाँ है थ्री वीक से लेकर आठ वीक तक के बच्चों क्या बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं, उसके बाद नाइन वीक से टिल बर्थ के बच्चों क्या बोलते हैं फीटस, ऐसे में उसके बाद क्या हो गया बच्चे क्या हो गया जन्म हो गया, बच्चा कहाँ गया एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में, पहले बच्चा कहाँ था इंट्रा यूट्राइन लाइफ मतलब मदर के पेट के अंदर, अब बच्चा क्या आ गया बाहर, ठीक है, बच्चा कहाँ गया एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में, एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में, बच्चा कहाँ गया एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में, देखो बर्थ जैसे बच्चे क्या हुआ बर्थ हो गया, बर्थ बर्थ किसको बोलते हैं जीरो से लेकर 28 डेज तक के बच्चों क्या बोलते हैं बर्थ हो गया, जैसे क्या हो गया जीरो से 28 डेज को क्या बोलते हैं बच्चों क्या बोलते हैं बर्थ, क्या बोलते हैं न्यू बोर्न, क्या बोलते हैं न्यू बोर्न, क्या बोलते हैं जीरो से लेकर 28 डेज तक के बच्चों क्या बोलते हैं न्यू बोर्न, इसमें भी दो ट्रांजिशन होती है, नंबर एक क्या बोलते हैं जीरो से सेवन डेज के बोलते क्या बोलते हैं सेवन डेज के बच्चों क्या बोलते हैं अर्ली नियोनेट, क्या बोलते हैं अर्ली नियोनेट, और एट से 28 डेज के बच्चों क्या बोलते हैं लेट नियोनेट, क्या बोलते हैं लेट नियो, जैसे ही बच्चों क्या हो गया बर्थ हो गया, बर्थ हो गया जीरो से लेकर बर्थ से लेकर 28 दिन तक के बच्चों क्या बोलते हैं न्यू बॉर्न, ठीक है, न्यू बॉर्न को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सबसे पहला कौन सा है जीरो से 7 डेज के बच्चों क्या बोलते हैं अर्ली नियोनेट, और 8 डेज से 28 दिन तक के बच्चों क्या बोलते हैं लेट नियोनेट, ऐसा समझ में आता सभी स्टूडेंट्स को, आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को, अभी अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे चैनल पर कमेंट कर सकता है या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कमेंट कर सकता है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है, अपने सभी साथियों तक हमारी वीडियो पहुंचाना, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया 28 डेज का बच्चा हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं नाइन वन मंथ, बच्चा क्या हो गया एक महीने का हो गया 28 डेज का बच्चे क्या बोलते हैं वन मंथ का हो जाता है, वन मंथ, क्या हो गया बच्चा वन मंथ का हो गया, वन मंथ से लेकर वन ईयर तक के बच्चों को क्या बोलते हैं इन्फेंट, वन ईयर इन क्या बोलते हैं इन्फेंट, क्या बोलते हैं इन्फेंट, और वन ईयर से लेकर थ्री ईयर तक के बच्चों को क्या बोलते हैं टोडलर,
टोडलर, क्या बोलते हैं टोडलर, 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक के बच्चों क्या बोलते हैं टोडलर, या क्या होती है रिस्की एज होती है, रिस्की एज होती है, या क्या होती है बच्चा क्या करता है इसमें उठाना पटक करता है, कभी गैस को पकड़ता है, कभी किसी नुकीली चीज से क्या करता है बाहर करता है, तो यह क्या होती है सबसे रिस्की एज रहती है, कौन सी 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक के बच्चे को, सबसे क्या पानी के टैंक की तरफ जाता है, जाता है और गैस पे खड़ा होना लगता है, बेड से उतरना लगता है, कहीं गिर नहीं जाए, यह कहती है सबसे रिस्की एज रहती है, कौन सी 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक क्या रहती है रिस्की एज रहती है, और फिर उसके बाद फोर्थ 3 ईयर से लेकर बच्चा 3 ईयर से 6 ईयर तक के बच्चों क्या बोलते हैं प्री स्कूलर, प्री स्कूलर, क्या बोलते हैं प्री स्कूलर, ठीक है क्या बोलते हैं प्री स्कूलर, उसके बाद 6 ईयर से लेकर 12 ईयर तक के बच्चों क्या बोलते हैं स्कूलर, बच्चा क्या हो गया स्कूल जाने लग गया, क्या हो गया 6 ईयर से 12 ईयर तक के बच्चों क्या बोलते हैं स्कूलर, उसके बाद 12 ईयर से लेकर 18 ईयर तक के बच्चों क्या बोलते हैं एडोलेसेंस, क्या बोलते हैं बच्चा क्या हो गया अडल्ट होने लग गया, 12 ईयर से 18 ईयर तक के बच्चों क्या बोलते हैं एडोलेसेंस, आया समझ में आता सभी स्टूडेंट्स को, एक्स्ट्रा यूट्रल लाइफ में सबसे पहले कौन सी थी चाइल्ड की इंट्रा यूट्रल लाइफ में रहता है, इंट्रा यूट्रल लाइफ में कहां से 0 से 2 वीक तक के बच्चों क्या बोलते हैं जायगोट, 0 से 2 वीक तक के बच्चों क्या बोलते हैं जायगोट, उसके बाद 3 वीक से लेकर 8 वीक तक के बच्चों क्या बोलते हैं एम्ब्रियो, 3 वीक से लेकर 8 वीक तक के बच्चों क्या बोलते हैं एम्ब्रियो, उसके बाद 8 वीक से 9 वीक से लेकर टिल बर्थ तक बच्चों क्या बोलते हैं फीटस, ठीक है आया समझ में, इंट्रा यूट्रल लाइफ समझ में आई सभी स्टूडेंट्स को, उसके बाद क्या है बच्चा एक्स्ट्रा यूट्रल लाइफ में आ गया, एक्स्ट्रा यूट्रल लाइफ में 0 से लेकर 28 दिन तक के बच्चों क्या बोलते हैं जैसे बच्चों क्या होगा बर्थ हो गया, जैसे बच्चों क्या हो रहा है बर्थ हो रहा है 0 से लेकर 28 दिन के बच्चों क्या बोलते हैं नियोनेट, क्या बोलते हैं नियोनेट, नियोनेट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट, अर्ली नियोनेट कौन सा रहता है 0 से लेकर 7 डेज के बच्चों क्या बोलते हैं अर्ली नियोनेट, और 8 डेज से और 28 डेज के बच्चे को 8 डेज से 28 डेज के बच्चों क्या बोलते हैं लेट न्यूनेट, ठीक है उसके बाद 1 मंथ से लेकर 28 डेज से लेकर 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के बच्चों क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं टोडलर या इन्फेंट, जल्दी बताओ स्टूडेंट्स टोडलर बोलोगे या इन्फेंट बोलोगे कमेंट करके बताओ, इन्फेंट बोलते हैं, टोडलर कौन सा बोल रहा है इन्फेंट बोलते हैं, और टोडलर किसको बोलते हैं 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक के बच्चों क्या बोलते हैं टोडलर, उसके बाद आता है 3 ईयर से 6 ईयर तक के बच्चों क्या बोलते हैं प्री स्कूलर, 6 ईयर से लेकर 3 ईयर से 6 ईयर तक के बच्चों क्या बोलते हैं प्री स्कूलर, उसके बाद आता है स्कूलर एज कौन सी रहती है स्कूलर एज, स्कूलर एज कौन सी रहती है 6 ईयर से लेकर 12 ईयर या 12 ईयर तक के बच्चों क्या बोलते हैं स्कूलर एज, ठीक है उसके बाद आता है 13 ईयर से लेकर 18 ईयर तक के बच्चों क्या बोलते हैं एडोलेसेंस, आया समझ यहाँ तक चाइल्ड की, ठीक है अगर आपको हमारी वीडियो ऐसी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नियो नेट के बारे में, क्या होता है नियो इन्फेंट नियो नेट, आगे हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्फेंट नियो नेट क्या होती है, आज तक आपको सभी स्टूडेंट्स को लाइव स्टूडेंट्स एवं हमारे कोचिंग के सभी स्टूडेंट्स जहाँ तक आज हमने पढ़ाया है यहाँ तक सभी को रिवीजन करना है, ठीक है क्या पढ़ाया था सबसे पहले पीडिया की डेफिनेशन पढ़ाई थी, पीडियाटर के बारे में बताया था, उसके बाद फादर्स बताए थे कुछ 4-5 फादर्स उनको सभी को याद करना है मोस्ट हैं सभी आने लायक क्वेश्चन है, उसके बाद हमने बकाई थी हॉस्पिटल सबसे पहला हॉस्पिटल कौन सा था और सबसे पहले बुक कौन सी लिखी गई थी, सबसे पहला हॉस्पिटल कौन सा था और किस शहर में था बताओ जल्दी, बच्चे क्या रहते हैं बताया था भूलने वाली चीज नहीं है, बच्चे क्या है खूबसूरत रहते हैं, दुनिया का खूबसूरत शहर कौन सा है पेरिस, तो सबसे पहला बच्चों का हॉस्पिटल कहाँ पर खुला था पेरिस में, ठीक है आया समझ में, उसके बाद हमने बताया चाइल्ड की यूट्राइन लाइफ क्या लाइफ रहती है,
ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना एवं अपने बेल आइकन पर क्लिक करना एवं अपने साथियों तक सभी तक पहुँचाना। थैंक यू जॉइनिंग फॉर दिस क्लास स्टूडेंट्स।